हाँ, तो हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार एमपी बोर्ड 10th का रिजल्ट का कट ऑफ रहा है 62.84%, जो कि बहुत ही कम है। मैं मानती हूँ इस बार कोरोना के कारण बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है डिलीड और जल्दी होने के चक्कर में स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसके कारण रिजल्ट का ये हाल हुआ है। बट जिन लोगों की पहले से ही मतलब पूरे ईयर की ही तैयारी जिन लोगों की अच्छी थी, उन लोगों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा बना है। और जो लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी, उनका रिजल्ट वो खुद जानते हैं। सो मेरा अब जो लोग 10th में आने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, क्योंकि हमारे लॉकडाउन वेकेशंस बहुत लंबे हो गए हैं, अभी भी चल ही रहे हैं। तो इन वेकेशंस में आप अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि 10th बहुत टिपिकल हो जाती है, क्योंकि 9th में आप लोगों ने बेस पढ़ा होता है और उन सब का डिटेलिंग 10th में होता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए, और अच्छे वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, हाँ अब हमें इस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तो जो भी आप लोग करते हैं, जो भी आप पढ़ाई अभी करेंगे, उनका जो भी रिजल्ट रहेगा, ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो थोड़ा सा जो है अब पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। आज जो है 4th जुलाई हो चुका है, चलिए ये वीक छोड़ देते हैं, आपकी बात करते हैं 6th जुलाई से। अब आप अपने टारगेट सेट कीजिए, जो भी आप क्लासेस अभी तक अटेंड कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करिए। देन नेक्स्ट थिंग ये कि हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए अपने, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं नहीं समझ में आती, तो अब यही टाइम है आप लोगों के पास कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं उनको कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। अब अपने पास बैठने का टाइम नहीं है, हम लोगों ने 3 महीने लॉकडाउन वेकेशन बहुत अच्छे से इन्जॉय किए हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई पे लग जाते हैं। और नेक्स्ट थिंग है कि अभी CBSE 10th 12th वालों का रिज़ल्ट नहीं आया है, इसके लिए अभी भी डिस्कशन चल ही रहा है कि कब डिक्लेयर करेंगे। सो जब तक CBSE 10th वालों का रिज़ल्ट नहीं आता है, वो लोग 11th के लिए प्रिपेयर रहें, पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यू रखें, और बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 3 महीने बहुत कम ही होते हैं। सो CBSE वालों के लिए मेरा स्पेशल नोटिफिकेशन यही है कि आप लोग अपने पढ़ाई के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें, आपके एकदम से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और एकदम से ट्रेन की स्पीड में आप लोगों का जो है कोर्स भागेगा, क्योंकि उस टाइम आपके पास ये भी नहीं होगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, किस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, किस कॉन्सेप्ट में नहीं है। सो ये सब चीज़ें आप अभी से ही थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उस टाइम की स्पीड को आप पकड़ पाएंगे। मेरा सजेशन यही है, जिन्हें जो भी प्रॉब्लम है वो अभी जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। साइंस के कंसेप्ट इजी नहीं होते, बहुत टिपिकल होते हैं, इंग्लिश की ग्रामर भी बहुत टिपिकल हो जाती है, 10th में आते आते आप लोगों की ग्रामर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। देन सोशल साइंस के जो कुछ चैप्टर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि उन सब की ब्रीफ हिस्ट्री रहती है, ठीक है। तो ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोगों को जो 9th में आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप 10th में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड मैथ्स तो आपको पता ही है कितना धुआंधार टाइप का मैथ्स रहता है 10th का। सो आप लोग प्रिपेयर रहिए और हर रोज़ अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं आप हर दिन के लिए एक जो है सिलेबस बना लीजिए, जैसे आपने मंडे को साइंस ले लिया, ट्यूसडे को इंग्लिश, इस टाइप का शेड्यूल बना लीजिए, तो आपके लिए
पढ़ाई करना इजी हो जाएगा, देन उसी शेड्यूल के अंदर आप जो है अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या जो अभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाए हैं, उनके पेरेंट्स स्पेशली रिक्वेस्ट है कि उन्हें प्रेशराइज ना करें, एक मौका और दीजिए, उन्हें बेस्ट करेंगे वो। और प्लीज़ कोई भी पेरेंट अपने स्टूडेंट अपने जो बच्चा है उसको किसी और बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। हर किसी में अपनी एक एबिलिटी होती है पढ़ाई करने की। अगर आप उसको किसी और बच्चे से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर जो डीमोटिवेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच ऑफिस। हम जो है अब नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे अपना इतना सारा टाइम दिया। मैं आप लोगों को जो प्राप्त स्टूडेंट्स के लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेंड कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट मंथ। और आप सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है लाइफ को जी रहे थे अभी तक, पर अब थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अब थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, आप सब लोगों के लिए अच्छा होगा।